Hello everyone, this is Mihika Bhasin and I'm your own online English educator at Simmi Foundation on this very own wonderful YouTube channel Exam Candy. Well, this is my second video on these special English story lessons. These are English lessons which are more inclined towards telling you moral stories and instilling good values in you. So today's story, which I have brought for all of you lovely children, is Belling the Cat. Some of you might have heard it, some of you might have not. So let us read it together. I'm going to explain paragraph by paragraph in both Hindi and English. So let us go. Once upon a time, there was a big grocery store in a small town. The only problem that the shopkeeper faced was that there were plenty of mice that bit into every item in the shop and spoiled the stock of bags kept there. They also wasted the bread, biscuits and fruits kept in the shop. Worried about the huge losses caused by the mice, the shopkeeper decided to bring a cat and leave it in the shop to check on the troublemaker mice. तो क्या होता है कि एक टाइम की बात है, एक बहुत ही बिग ग्रॉसरी स्टोर, मतलब एक बड़ी दुकान होती है जिसके अंदर आप जैसे घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, कुछ और यूटिलिटी का सामान शॉपकीपर्स रखते हैं। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे चूहे बड़े थे और चूहों को क्या होता है कि वो स्वीट्स पसंद करते हैं और वेरियस अदर थिंग्स वो पसंद करते हैं, तो वो हर वहाँ पे जो बोरी रखी रहती थी और बैग रखे रहते थे उसके अंदर वो काट काट के चबा चबा के छेद कर देते थे और वो वेस्ट क्या करते थे, वो ब्रेड वेस्ट करते थे, बिस्किट्स और फ्रूट्स, ब्रेड बिस्किट्स और फल जो शॉप पे रखे थे। तो वरीड अबाउट द ह्यूज लॉसेस, तो इतने बड़े जो उनका घाटा होता था, तो शॉपकीपर ने एक बिल्ली रखी जो उन शैतान चूहों को देख सके और उनको मार सके। द फॉलोइंग डे द स्टोर कीपर बॉट अ बिग फैट कैट टू हिज शॉप एंड लेट हर स्टे देयर टू चेज अवे द माइस। द कैट हैड अ प्लेजेंट टाइम हंटिंग डाउन द माइस एंड फीस्टेड ऑन देम रेगुलरली। द शॉपकीपर नोटिस दैट ब्रिंगिंग द कैट टू द शॉप सेव्ड हिम फ्रॉम ऑल द डेंजर्स कॉज्ड बाय द माइस एंड वॉज हैप्पी विथ हिज डिसीजन। तो अगले दिन, फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन, द स्टोर कीपर ब्रॉट अ बिग फैट कैट, एक मोटी और बड़ी बिल्ली को अपनी शॉप पे लेकर आया और उसने उसको शॉप में रखा जिससे वो जो माइस हैं, जो चूहे हैं, उनको दूर भगा सके। तो कैट को तो बड़ा मज़ा आया, वो रेगुलरली माइस को हंट करती थी और उनको खाती थी। और शॉपकीपर ने ये देखा कि जब से वो कैट को लाया है तब से शॉप पे डैमेजेस कम हो रहे हैं, मतलब माइस के बैग्स को खाने के खतरे कम हो रहे हैं, और उसने सोचा कि ये मेरा जो डिसीजन था वो अच्छा था। सो ही वॉज हैप्पी विथ हिज डिसीजन। सीइंग अ रैपिड डिक्लाइन इन द टोटल पॉपुलेशन, द माइस काउंसिल कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट मीटिंग टू डिस्कस देयर इशू। एवरी माउस वॉज वरीड दैट देयर नंबर्स वर ड्विंडलिंग एंड एवरी डे द कैट प्रेड ऑन देयर फेलो माइस। दे कंप्लेन टू द हेड माउस that the cat stealthily attacked them and it had become difficult for them to track if their predator was around. So seeing a rapid decline in the total population, मतलब उनका जो population था, जो mice के जो numbers थे, population मतलब mice के जो numbers, मतलब जितने mice वहाँ पे थे, तो mice के जो numbers थे, जो उनकी अंक थे, जो गिनती थी mice की, कम होती जा रही थी क्योंकि cat उनको एक के बाद खा खा के ख़त्म कर रही थी। तो जो माइस काउंसिल था, माइस काउंसिल मतलब एक सारे चूहों की मीटिंग, तो वो बुलाई गई और वहाँ पे इशू बताया गया। तो जो सारे चूहे थे वो अपने गिनती के बारे में बहुत दुखी थे और परेशान थे कि वो उनको लग रहा था कि हम धीरे धीरे तो माइस सर कुछ हमें खा रही है तो हम तो मर जाएंगे। तो जो हेड माउस था उससे उन्होंने कंप्लेन की और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि उनको ये भी नहीं पता चल पाता था कि कैट उनके अराउंड थी कब, क्योंकि अगर उनको कोई ऐसा तरीका होता जिससे वो उनको पता चल जाता तो फिर वो पहले अलर्ट हो जाते और वो उस कैट से दूर भाग जाते। बट क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि कैट उनके अराउंड है तो फिर वो उसका प्रे बन जाते थे, मतलब उसका खाना बन जाते थे। एज द माइस वर डिस्क्राइबिंग देयर वोस द हेड माउस रिकमेंडेड दैट दे शुड बेल द कैट टू फिक्स द प्रॉब्लम।
By doing so, they would know whenever the cat moved around as the bell would make the noise. Everyone loved the idea, but the most important question was, who will bell the cat? Now, जो उनका head mice था, mouse था, उसने उसका एक तरीका बताया, जैसे माइस लोग अपने woes describe कर रहे थे. अब woes is a good word to use. Woes का मतलब होता है your problems और your situation जिसमें आप दुखी हो या फिर आप परेशान हो, complaints. ठीक है? तो जो head mouse था उसने recommend किया था, they should bell the cat. Bell the cat का मतलब है कि आप cat को आप घंटी बना दो. घंटी का मतलब होता है कि घंटी से क्या मतलब है कि जब भी कैट चलेगी तो घंटी बजेगी और फिर सारे जो चूहे हैं वो अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ घंटी बज रही है, मतलब कैट आसपास है, तो हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए. तो सबको आइडिया पसंद आया. बट अब आइडिया तो सजेस्ट कर दिया, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हु विल बेल द कैट, मतलब कैट को घंटी कौन पहनाएगा, क्योंकि कैट से तो सभी को डर लगता था. कोई कैट के अगर सामने भी जाएगा तो कैट तो उसको खा जाएगी, तो इससे पहले उसको घंटी पहना पाता तो वो तो बेचारा खुद ही मर जाएगा, है ना. सो देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब बहुत शांति थी. एंड द माइस वंडर्ड हु वुड रिस्क हिज लाइफ टू एग्जीक्यूट द प्लान. नोबडी स्पोक. Suddenly, a tiny mouse stepped forward, stating that he would execute the act and asked for a necklace of 3 bells tied in a pink ribbon. So there was pin drop silence. मतलब pin drop मतलब इतनी शांति थी कि अगर कोई एक छोटा सा pin भी गिरा है, तब भी आपको सुनाई दे. And the mice wondered who would risk his life to execute the plan. मतलब कौन सा ऐसा mice अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा जिससे दूसरे माइस का, उसके बाद जितने भी दूसरे माइस बचे हुए हैं उनका भला हो सके. तो किसी ने नहीं बोला. तो उसके बाद एक छोटा सा माउस, टाइनी माउस मतलब एक छोटा सा माउस सामने आया और उसने कहा कि वो ही वुड एग्जीक्यूट द एक्ट. एग्जीक्यूट द एक्ट मतलब कैरी फॉरवर्ड द एक्ट. कैरी फॉरवर्ड द एक्ट मतलब एक्ट यहाँ पे है प्लान. एंड आस्ट फॉर अ नेकलेस ऑफ 3 बेल्स टाइड इन अ पिंक रिबन. तो एक गुलाबी रिबन में एक नेकलेस, एक माला जिसमें 3 छोटी छोटी बेल्स लगी हुई हैं. दैट आफ्टरनून द लिटिल माउस वेंट टू द कैट विद द नेकलेस. ऑन सीइंग द टाइनी माउस द कैट वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द लिटिल क्रीचर व्हेन द माउस आस्क्ड हर टू लिसन टू हिम बिफोर शी किल्ड हिम. द कैट डिसाइडेड टू लिसन टू द टाइनी माउस बिफोर किलिंग हिम फॉर लंच. तो उस दोपहर वो जब छोटा सा माउस था वो कैट के पास गया उस बेल्स वाले नेकलेस के साथ. अब जैसे ही कैट ने उस माउस को देखा, वो उस पर झपट्टा मारने ही वाली थी, उससे पहले वो टाइनी माउस बोल पड़ा कि तुम मेरी पहले बात सुन लो और उसके बाद तुम मुझे मार देना. तो कैट ने बात मान ली और उसको मारने से पहले, उसको लंच के में खाने से पहले उसने उसकी बात सुनने का फैसला किया. Soon the tiny mouse started appreciating the cat for her beauty. He quickly took out the bell's necklace and gifted it to the cat. He complimented her, stating that by wearing this necklace, she would look the most beautiful cat in the world. The mouse tied the bell's necklace around the cat's neck. So, jo tiny mouse tha, usne cat ko कैट की तारीफ करना शुरू कर दिया. उसने बोला कि अगर तुम ये नेकलेस पहनोगी, मैं जो तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, तो तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर कैट लगोगी. तो माउस ने उसको कैट को नेकलेस पहना दिया और वो दूर चला गया, मतलब वो फिर उसने उसको पहना दिया. सो द कैट जंप्ड ऑन अ लो स्टूल kept before the mirror to check how she looked. The mouse further complimented the cat for her beauty and admired her looks. Really impressed with the mouse's words, the cat spared the tiny mouse's life in no time. So cat एकदम से low stool पे jump की और जिसके सामने mirror रखा हुआ था, तो mouse भी चालाक निकला. Mouse ने उसकी और तारीफ करना शुरू कर दी और बोला कि तुम इसमें सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो. और ये mouse की बात सुन के cat ने उसको कुछ नहीं किया, उस माउस को छोड़ दिया. इन नो टाइम द कैट स्टमक वॉज रंबलिंग इन हंगर एंड शी स्टार्टेड टू लुक अराउंड फॉर माइस इन एवरी कॉर्नर ऑफ द शॉप. ऑल द माइस सीम टू हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम हर साइट. एट लास्ट द माइस नो लॉन्गर फियर्ड द कैट. व्हेनेवर द कैट वॉज अराउंड दे कुड हियर द बेल्स रिंगिंग एंड वुड डिसअपीयर फ्रॉम दैट प्लेस इमीडिएटली. तो उसको अपनी तारीफ सुनने के बाद कैट को भूख लगने लगी और इट वॉज रंबलिंग इन हंगर, मतलब पेट में गुड़गुड़ होने लगा.
एंड वो पूरी दुकान में माउस को ढूंढने लगी, बट क्योंकि अब उस कैट ने बेल पहना हुआ था, तो